Hello guys, hope you like the videos, and if you like the videos, subscribe our channel and press the like and share button. Today we are going to do chapter number 15, probability MCQs, part 2. Question number 1 is, a number is selected from first 50 natural numbers. What is the probability that it is a multiple of 3 or 5? हमने एक नंबर सिलेक्ट करना है फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स से जो कि मल्टीपल हो 3 और 5 का. तो सबसे पहले तो हम मल्टीपल्स ऑफ 3 ही लिख लेते हैं. दैट विल बी 3, 6, 9, 12, 15, देन इट विल बी 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48. 48 के बाद नेक्स्ट मल्टीपल है 51, पर हमने नंबर्स तो 50 तक ले नहीं. और अगर हम 5 के मल्टीपल देखें तो वो हो जाएगा 5, 10, 15. 15 तो ऑलरेडी आ रखा है. देन इट विल बी 20, 25. 25 के बाद आएगा 30. 30 भी ऑलरेडी आ चुका है. Then it will be 35, 40, 45, 45 भी ऑलरेडी आ रखा है और 50. तो यहाँ पे हमारे पास ई केस बन गया. अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5 और प्रॉपर्टी ऑफ ई हो गई, ये मल्टीपल्स हैं 23, वो टोटल नेचुरल नंबर्स 50 तक हैं 50. सो आंसर विल बी 23 अपॉन 50. करेक्ट ऑप्शन इज डी. क्वेश्चन नंबर 2 इज, अ मंथ इज सिलेक्टेड एट रेंडम इन अ ईयर. एक मंथ हमने सिलेक्ट करना है रेंडमली इन अ ईयर. हमें पता है टोटल नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं 12 इन अ ईयर. द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मार्च और अक्टूबर. मार्च भी एक बार ही आता है और अक्टूबर भी. सो हमारे फेवर में 2 केसेस हैं और टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं 12. अगर इसकी कटिंग करें तो वो हो जाएगा 1/6. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मोबाइल A letter is selected. हमने एक letter select करना है. The probability that the letter is a wall. पहले इसमें से wall check करते हैं कितने हैं. इसमें wall है 3. इसमें number of walls हैं 3. और total number of letters हैं 6. So probability हमारी है 3/6. Cutting होके आ गया 1/2. Option number D is correct one. Question number 4 is, the probability of an even number when a die is thrown once. हमें पता है जब एक die फेंकेंगे तो हमारे पास sample space बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसमें even numbers हैं 2, 4 और 6. तो हमारी required probability है 3/6. Cutting होने के बाद ये आ गया 1/2. Option number A is correct one. Next is, A box contains 90 discs number 1 to 90. एक बॉक्स में 90 discs हैं और उन पे नंबरिंग है 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, the probability that it bears a prime number less than 23. जो हम हम यहाँ पे ई केस डिस्कस कर लेते हैं उन प्राइम नंबर्स का जो कि लेस देन 23 हैं. सो दे विल बी 2, 3, 5, 7, 11. Then it will be 13, 17, 19. क्योंकि हमने less than 23 देखना है तो हमारे पास ये prime numbers बन गए. और ये counting में हमारे पास है 8. Therefore, हमारी जो required probability है that will be 8/90. After cancellation we'll have it 4/45. So option number C is the correct one. Question number 6. Two different coins are tossed simultaneously. तो अगर हम samples, sample space बनाएं two different coins का जिनको toss किया गया simultaneously, तो वो बन जाएगा HH, HT, TH, TT. So number of cases total जो है that is 4. The probability of getting at least one head, कम से कम एक head चाहिए. HT, TH और HH. TT में तो एक भी हेड नहीं है तो हमारे फेवरेबल केसेस हो गए 3. इसका मतलब हमारी जो प्रोबेबिलिटी है
of getting at least one hit, that will be 3 by 4. So option number C is correct one. Question number 7. If two dice are rolled together, the probability of getting an even number on both die. हमने दो डाइस को इकट्ठे रोल किया है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास 36 है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन बोथ डाई, हमने ई केस ले लिया जो हमारे फेवर में है, दैट मीन्स इवन नंबर ऑन बोथ डाई. इवन नंबर चाहिए दोनों डाइस के ऊपर, तो सबसे पहला इवन नंबर हो गया 2, फर्स्ट पे भी और सेकेंड पे भी. फिर हो सकता है हमारे पास केस पहले पे 2, दूसरे पे 4, फिर केस बन सकता है हमारे पास 2, 6. ये भी तो हो सकता है हमारे पास पहले डाइस के ऊपर आए 4, 4 एक इवन नंबर है, और दूसरे पे आए 2, फिर दूसरा केस 4, 4, फिर दूसरा केस 4, 4, देन इट विल बी 4, 6, देन द नेक्स्ट विल बी 6, 2, 6, 4 एंड 6, 6. ये टोटल केसेस जो हमारे फेवर में है वो है 9 नंबरिंग में. So therefore probability of E is equals to 9 upon 36. 9 और 36 cancel हो गए and we'll get here 1 upon 4. Option number D is the correct one. Question number 8. A number is selected at random from the numbers 1 to 30. The probability it is a prime number is, हमने एक number select करना है 1 से लेके 30 तक. So हमारे पास total cases जो हैं वो 30 हैं. हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी कि जो हमने नंबर सिलेक्ट करा है वो एक प्राइम नंबर हो. द नंबर इज अ प्राइम नंबर. तो यहाँ पे हमारे को फेवर करने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 and 29. हमारे पास फेवरेबल केसेस हैं 10 और टोटल केसेस नंबरिंग में है 30. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 10 upon 30. आफ्टर कैंसिलेशन विल हैव हियर 1 upon 3. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 9. अ कार्ड इज ड्रॉन एट रेंडम from a pack of 52 cards. The probability that the drawn card is not an ace is, हमने एक कार्ड निकालना है from a pack of 52 cards. क्या probability होगी कि वो कार्ड ace ना हो? As we know, number of ace cards are 4. हमें ace नहीं चाहिए. So जो हमारा favorable case है, वो है not an ace. तो टोटल केसेस हैं 52, टोटल कार्ड्स हैं 52, उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर देते तो हमारे फेवरेबल केसेस होंगे 48. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 48 डिवाइडेड बाय 52. सो आफ्टर द कैंसिलेशन विल हैव हियर 12 upon 13. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन. Question number 10. A number X is chosen at random from the numbers -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. The probability that mod of X is less than 2 is. हमने ये देखना है जो number हमने select किया उसका mod करें तो वो less than 2 आए, है ना? हमारे पास जो X की options दे रखी हैं वो है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. अगर हम -3 का मॉड करें वो तो होता है 3, वो तो ग्रेटर देन 2 हो गया, तो ये केस तो हमारे फेवर में नहीं है, है ना? अगर हम -2 का मॉड करें तो वो होता है 2, वो तो इक्वल टू 2 है, वो तो लेस देन 2 नहीं है, तो ये भी हमारे फेवर में नहीं है. -1 का मॉड करेंगे वो आएगा 1, नो डाउट 1 इज लेस देन 2, तो ये हमारे फेवर में है, फाइन. अगर हम 0 का मॉड करेंगे वो आएगा 0, वो भी लेस देन 2 है, ये भी हमारे फेवर में है. अगर हम 1 का मॉड करेंगे तो वो आएगा 1, वो भी लेस देन 2 है, तो ये भी हमारे फेवर में है. 2 का मॉड करेंगे तो वो आएगा 2, तो ये हमारे फेवर में नहीं है. अगर हम 3 का मॉड करते हैं तो आएगा 3 विच इज ग्रेटर देन 2, ये हमारे फेवर में नहीं है. तो
तो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हो गए 1, 2 एंड 3, और टोटल केसेस कितने 7. सो प्रोबेबिलिटी जो हमारी रिक्वायरमेंट है दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस दैट इज 3/7. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 11. टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस. हमें दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर चाहिए, तो हमारे फेवरेबल केसेस में आ गया एक तो 1-1 है ना, एक आ गया 2-2, देन 3-3, नेक्स्ट विल बी 4-4, 5-5 और 6-6. हमें सेम सेम नंबर चाहिए, दैट मीन्स हमें डबलेट चाहिए. ये हमारे फेवरेबल केसेस हो गए. सो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आर 6, और अगर टू डाइस थ्रो करो तो टोटल नंबर ऑफ केसेस बनते हैं 36. सो आफ्टर कैंसिलेशन विल गेट हियर 1/6. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 12. इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय इज. फैमिली में कितने बच्चे हैं, हो सकता है वो तीनों बच्चे बॉयज हों, बॉय बॉय बॉय, ये भी हो सकता है बॉय बॉय गर्ल, इट विल ऑल्सो बी पॉसिबल इट विल बी बॉय गर्ल बॉय, गर्ल बॉय बॉय, और इट विल बी बॉय गर्ल गर्ल, गर्ल बॉय गर्ल, गर्ल गर्ल बॉय एंड गर्ल गर्ल गर्ल. तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो 8 है, हमें चाहिए एटलीस्ट 1 बॉय. तो हमारा फेवर में जो केस है कम से कम एक बॉय तो होना ही चाहिए, तो उसमें एक तो ये आ गया बीजीजी दैट इज बॉय गर्ल गर्ल, देन गर्ल बॉय गर्ल, देन गर्ल गर्ल बॉय, ये तो गए 1 वाले. एटलीस्ट 1 चाहिए, तो 1 से ज्यादा भी तो हो ही सकता है, दैट मीन्स दो बॉयज वाले केसेस भी आ जाएंगे इसमें, है ना, और 3 बॉयज वाले केसेस भी आ जाएंगे. सो हमारे फेवर में टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं 7, तो प्रोबेबिलिटी होगी 7/8, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 13. अ बैग कंटेन्स कार्ड्स नंबर 1 to 25. अ नंबर इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द बैग. The probability that the number on this card is divisible by both 2 and 3. कहता है एक बैग है जिसमें कार्ड्स हैं जिनके ऊपर नंबरिंग करी गई है 1 से लेकर 25. सो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो 25 हो गए. हमने वो कार्ड सिलेक्ट करना है जो डिविजिबल हो बाय बोथ 2 एंड 3, दोनों 2 और 3 से डिविजिबल हो. अगर हम 2 और 3 का LCM ले लें तो यहाँ पे तो आ जाएगा हमारे पास 6, है ना, तो हमें वो नंबर देखना है 1 to 25 जो 6 से डिविजिबल है. तो वो कौन कौन सा नंबर है, एक तो 6 खुद है, देन इट विल बी 12, देन 18, है ना, देन 24. तो कितने फेवरेबल केसेस हो गए हमारे, 4 केसेस फेवर में हो गए, और टोटल केसेस कितने हैं 25. सो प्रोबेबिलिटी इज 4/25. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 14. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन टेस्ट क्वेश्चंस इज x/12. कहता हमने करेक्ट आंसर दिए उसकी प्रोबेबिलिटी है x/12. फाइन. If the probability of not guessing the correct answer to this question is 2/3, अगर हम correct answer नहीं देते हैं तो उसकी probability है 2/3, मतलब probability of E not वो 2/3 है. हमने क्या find out करना है, X. हमें पता है probability of E plus probability of E not, इनको plus करे तो 1 बनता है. हमें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखी है दैट इज x/12, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज 2/3 इज इक्वल्स टू 1. अगर हम इसको सॉर्ट आउट करें तो एलसीएम आएगा 12, यहाँ तो आ गया x, 12 को 3 से डिवाइड करा आ गया 4, 4 into 2 is 8 equals to 12.
अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे तो आ जाएगा x प्लस 8 इक्वल्स टू 12 और x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 8 इज 4. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. अ नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 355, 777, 9999. एक नंबर हमने सिलेक्ट करना है इन नंबर्स में से. द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर इज देयर एवरेज इज. सबसे पहले ये जो टोटल नंबर्स हैं वो है काउंटिंग में 10. अगर हम इनकी एवरेज निकालते हैं तो वो हो जाएगा सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स. टोटल नंबर्स 10 है, इनका सम करें तो 70 है, तो एवरेज तो आ गई 7. उसने बोला प्रोबेबिलिटी निकालो कि हम अगर कोई नंबर सिलेक्ट करते हैं वो इनकी एवरेज हो. एवरेज तो आ गई 7. अब इसमें 7 कितनी बारी आ रहे हैं? 3 टाइम्स. सो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गया 7 कितनी बारी आ रहा है? 3 टाइम्स. तो प्रोबेबिलिटी हो गया 3 अपॉन 10. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन.